Hello friends, and welcome to all of you to the yet another session on assessment procedure. In our last session, we just discussed about the section 147, that is assessment or reassessment in case of income escaping. So that section is very important, and I strongly recommend you to go through that video because that section is very important from the exam perspective. Now let's see and discuss the rest of the section in this chapter. So in today's session, we just talk about section 149 and its exceptions, section 151, 153, 144A, 144C, 145 and 154. When we are done with these sections, then we will complete in this chapter, which is assessment procedures. So now let's start. Our first section to discuss is section 149, which is time limit for the issue of notice under section 148. As I told in my last session that in order to do assessment under section 148, the AO is required to issue notice under section 148, and there is a timeline for the issue of this notice under section 148, and which is mentioned in section 149. Now let's see what are the time limits. If income escaped assessment is likely 1 lakh or more, मतलब जो भी income escapement है और जिसके assessment AO को करनी है उसकी income जो है impacted income 1 lakh या उससे ज़्यादा है, तो आप 6 साल के अंदर from the end of the relevant assessment year आप ये notice under section 148 issue कर सकते हो. अगर कोई income ठीक है रिलेट करती किसी ऐसी एसेट से इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट एज वेल विच इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, देन द एओ कैन इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 टिल 16 इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. इन रेस्ट ऑफ द केसेस एओ कैन इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148 विद इन 4 इयर्स फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर. तो भले आपकी असेसमेंट पहले हुई है या नहीं हुई है, लेकिन अगर एओ को सेक्शन 147 के अंडर अगर आपकी असेसमेंट करनी है, तो वो नोटिस अंडर सेक्शन 148 जो कि ज़रूरी है 147 की असेसमेंट करने के लिए, तो वो नोटिस 1 लाख से या उससे ज़्यादा इनकम के लिए है तो 6 साल तक, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है या कोई ऐसा एसेट है जो कि आउटसाइड इंडिया के लिए है तो वो 16 साल तक कर सकता है. रेस्ट ऑफ द केसेस मतलब बैलेंस केसेस में 4 ईयर्स, तो 4 साल के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर एओ कैन इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148. नाउ लेट्स सी अ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर अंडर सेक्शन 149. इशू ऑफ नोटिस मींस एज आई सेड इन सेक्शन 149 व्हाट इट से टाइम लिमिट फॉर इशू ऑफ नोटिस. तो इशू ऑफ नोटिस का मतलब क्या होता है? इशू ऑफ नोटिस मीन डेट ऑन विच सेड नोटिस हैंडेड ओवर टू पोस्ट ऑफिस, मतलब जिस दिन एओ पोस्ट ऑफिस को वो नोटिस हैंड ओवर कर देगा उस दिन क्या मानी जाएगी, उस डेट को माना जाएगा डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस. ये केस किस में बोला था? कन्नू भाई एम पटेल के अंदर कोर्ट ने बोला था कि डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस क्या मानी जाएगी, वो दिन जब एओ जो है पोस्ट ऑफिस को वो नोटिस हैंड ओवर कर देगा. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस सम ऑफ द एक्सेप्शंस फॉर सेक्शन 149. द फर्स्ट एक्सेप्शन इज नो नोटिस कैन बी इशूड आफ्टर 4 इयर्स इफ असेसमेंट अंडर 143(3) ऑलरेडी डन एंड असेसी डिस्क्लोज ऑल ट्रू फैक्ट्स. मतलब जैसे कि अगर आपकी इनकम भले 1 लाख या उससे ज्यादा हो तो कब तक आप नोटिस इशू कर सकते हो? विद इन 6 इयर्स. लेकिन ऐसे केस में आप कोई भी एओ जो है कोई नोटिस इशू नहीं कर सकता आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद इशू नहीं कर सकता अगर आपकी असेसमेंट हो चुकी है और एसएससी ने सारे ट्रू फैक्ट्स को डिस्क्लोज कराया. ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? कि एओ ने कोई असेसमेंट में मिस्टेक करी है, ठीक है, यानी कोई ऐसी इनकम है जो एसएससी ने तो सारे फैक्ट्स दिखाए थे असेसमेंट के दौरान, लेकिन एओ उसको पकड़ नहीं पाता है, एओ उसकी फाइंडिंग नहीं कर पाता है अपनी गलतियों की वजह से. तो ऐसे केस में
इररिस्पेक्टिव कोई भी टाइम लिमिट हो, आप सिर्फ 4 साल के बाद जो है नोटिस इशू नहीं कर सकते। मतलब अगर एओ ने अपनी भी कोई गलती करी हो तो उस गलती को वो सिर्फ 4 साल तक ही सुधार सकता है। अगर वो अपनी गलती, मतलब एओ की खुद की कोई गलती है, तो 4 साल के बाद कोई भी नोटिस इशू नहीं कर सकता। हालांकि इस क्लॉज का भी, इस पॉइंट का भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि अगर ये केस रिलेट करता है एसेट आउटसाइड इंडिया, मतलब कोई भी एसेट है अगर वो आउटसाइड इंडिया के बाहर है और ऐसी इनकम अगर एओ भले अपनी गलती की वजह से भी अगर उसको पकड़ नहीं पाता तो भी वो 4 साल के बाद नोटिस इशू कर सकता है। इस केस के अलावा और भी कोई और भी केस हो, रेस्ट ऑफ द ऑल केसेस, इफ देर इज एन मिस्टेक ऑफ एन एओ एंड एसएससी डिस्क्लोज, एसएससी इज ऑलरेडी डन विद द असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(3) and AO and SSC disclose all the true facts, in that case AO cannot do any assessment or means cannot issue notice under section 148 after 4 years. So that is very important point and very important exception to remember. Now let's move forward and see the another exception. Notice issued in case of agent of the non-resident, time limit shall be 6 years. मतलब पहले अगर हमने जो इनिशियल एनी अदर केसेस में देखा था वहाँ पे टाइम था 4 years, लेकिन उसी सिमिलर केस में अगर कोई नॉन रेजिडेंट के एजेंट को अगर हमें नोटिस इशू करना है तो वो टाइम लिमिट 4 years से बढ़कर क्या हो जाता है 6 years। कोई भी केस हो उसमें टाइम लिमिट क्या होगा, नॉन रेजिडेंट के एजेंट को नोटिस इशू करने का टाइम लिमिट होगा 6 years। ठीक है, नो टाइम लिमिट, दैट इज इन केस नोटिस इशूड टू गिव अ इफेक्ट ऑफ ऑर्डर डायरेक्शन अंडर सेक्शन 250, 254, 260A, 262, 263, 264। मतलब ये सी आई टी के सेक्शंस होते हैं और ये सेक्शन होता है आपकी सी आई टी अपील्स, ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो इन अथॉरिटीज़ ने अगर कोई नोटिस इशू करा है, कोई ऑर्डर, नोटिस मीन कोई ऑर्डर या कोई ऐसी डायरेक्शन इशू करा है, ठीक है, तो उस डायरेक्शन को इफेक्ट देने के लिए एओ की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। मतलब सपोज कोई अथॉरिटी ने ऑर्डर इशू करा है, ठीक है, टू डू दी रीअसेसमेंट या कोई इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का कोई से रिलेटेड कोई उसने अगर ऑर्डर इशू करा एओ को, तो भले टाइम लिमिट आपकी एक्सपायर हो गई हो, स्टिल उस ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए एओ जो है नोटिस इशू कर सकता है अंडर सेक्शन 148, कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन किस लिए, जब कोई कोई अथॉरिटी ऑर्डर या कोई डायरेक्शन देती है, कोई अपीलेंट अथॉरिटी डायरेक्शन देती है एओ को, तो उसके ऑर्डर को इफेक्ट देने के लिए एओ के लिए कोई टाइम लिमिट, कोई सेक्शन 149 में जो टाइम लिमिट मेंशनड है वो अप्लाई नहीं होती, वो कभी भी इशू कर सकता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट सेक्शन 151 व्हिच डील्स विद द सैंक्शन फॉर द इशू ऑफ नोटिस। ठीक है, तो जो नोटिस की अभी हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 149 में टाइम लिमिट्स में, उसको नोटिस को इशू करने के लिए हमें कुछ सैंक्शंस लेने होते हैं। तो अगर आप नोटिस इशू कर रहे हो अप टू 4 ईयर्स में, तो आपको ज्वाइंट कमिश्नर का सैंक्शन लेना होता है या ACDC और कोई भी ITO कर सकता है, इफ JC सेटिस्फाइड विद द रीजन टू बी रिकॉर्डेड। अगर आपका नोटिस 4 साल के बाद है और अप टू 16 ईयर्स है, तो कोई भी AO कर सकता है, नोटिस को सैंक्शन कर सकता है इफ CCID और CIT सेटिस्फाइड विद द रीजन टू बी रिकॉर्डेड। Now let's move forward and talk about section 153 which deals with the time limit for the completion of assessment or reassessment. तो जब भी AO नोटिस इशू करता है फॉर असेसमेंट और reassessment, तो उस असेसमेंट को पूरा करने की कुछ टाइम लिमिट्स है जो कि मैंशन करी गई है 153 सेक्शन में। तो now let's see, सेक्शन 143 और 144 में अगर आप असेसमेंट कर रहा है कोई AO, तो उसकी टाइम लिमिट क्या रहेगी, 12 months, ठीक है, फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। लेकिन अगर आपका असेसमेंट 18-19 का है, 18-19 के लिए, तो आपकी वो टाइम लिमिट क्या होगी, 18 months। इफ द एओ इज डूइंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 147, देन ही इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट हिज असेसमेंट विद इन 12 months फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर सेक्शन 148 इज सर्व्ड, एंड दिस 12 month लिमिट विल बी replaced by 9 month if notice is served up to 31st March
2019. If there is a case of fresh assessment or reassessment due to assessment is cancelled and referred back to AO by order under section 254, 263 or 264. AO को फ्रेश असेसमेंट के लिए ऑर्डर मिलता है या कोई केस रेफर बैक किया जाता है और वो ऑर्डर इन सेक्शंस के अंदर इशू किया गया है, तो उस केस में AO को जो फ्रेश असेसमेंट है या जो भी उसको रीअसेसमेंट करनी है तो उसकी टाइम लिमिट क्या होगी, सेम 12 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच नोटिस अंडर दिस सेक्शन इज इशूड एंड within 9 months if notice is served up to 31st March 2019. So, जो section 147 पे limit time limits थी वही इस जगह पे apply हुआ, that's it. ठीक है, same है इस case में. Now, one important point that need to be remembered, in case the timeline which we just discussed now under section 153, if any of the in any of these assessment, if the AO is referred case to the TPO, then the timeline shall be increased by 12 month. तो अगर time limit 12 months की है complete करने की तो वो increase होके क्या हो जाएगी 24 month. If the time limit is say 18 months, then time limit will be increased by 30 months in case the AO referred case to the TPO. The another important point here is to note that notice of demand must be issued within above time limits, else assessment reassessment shall be void. If the AO is doing the assessment, then he is required to issue demand notice कौन से section में issue होता है, under section 156. तो AO को demand notice भी उन time limits के अंदर issue करना है. तो इस case में क्या हुआ था, basically AO ने assessment तो पूरी कर दी थी within timelines in case of Purushottam Das T. Patel, but he has not issued the notice of demand within such time limits. तो court held that in such a case said assessments or reassessment shall be declared as void. So notice of demand bhi AO ko within time limit mein hi issue karna hai. Now let's move forward and talk about section 153.5. So basically isme ek situation hoti hai section mein ki koi bhi expense disallowed hota hai ya koi income taxable hoti hai, but assessment not cancelled, set aside or refer back to AO. Matlab aisi koi situation hai section, ye section kaun si situation se deal karta hai ki koi authority ne jo hai expense ko disallow kiya ya koi fresh income ko taxable kara hai, theek hai, but us case mein jo AO ne assessment kari hai usko usne cancel nahi kara na refer back kara hai, बस एक छोट या तो कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस को डिसअलाउ करा या कोई इनकम को टैक्सेबल करा, ठीक है, उस केस में क्या टाइम लिमिट्स होगी हमारी. सेक्शन 153 इज बेसिकली डील्स विद द टाइमलाइंस टू कंप्लीट द असेसमेंट. तो ऐसा कोई केस है कि जिसमें कोई एक्सपेंस हायर अथॉरिटीज में, जैसे कोई केस अथॉरिटीज के पास जाता है, आईटीएटी होगी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहां पर क्या होता है कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए दे आर फाइटिंग and that particular expense is disallowed by the authority, or any income which is initially not taxable but authority made that income taxable. तो ऐसे केस में अगर authority ने AO को वो केस वापस दिया है but वो assessment को cancel नहीं कर रहा है, ना ही set aside कर रहा है, ना ही refer back कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या time limits होगी assessment को पूरा करने के लिए, यानी इस चीज को effect देने के लिए. तो अगर तो कोई वेरिफिकेशन, इसके दो पॉइंट्स होंगे, दो चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे. ऐसा केस जहाँ पर कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने की ज़रूरत नहीं है एसएससी को, तो उस केस में 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच नोटिस इज रिसीव और 6 months ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ AO. मतलब कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है और कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग एसएससी को देने की ज़रूरत नहीं है, उस केस में 3 months के अंदर अंदर आपको वो असेसमेंट को पूरा करना है. बट और अगर इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द असेसमेंट और टू गिव द इफेक्ट विद इन 3 months, देन AO मे रिक्वेस्ट फॉर द एक्सटेंशन एंड दैट एक्सटेंशन कैन बी ग्रांटेड ओनली फॉर 6 months. तो मतलब 6 महीने तक वो एक्सटेंशन हो सकता है. तो 3 एंड टोटल है ये 6 months, दिस इज द टोटल
नॉट एडिशन टू 3 मंथ, जो टोटल 6 महीने तक का में हमको एक्सटेंशन मिल सकता है. सॉरी टू जस्ट टू करेक्ट माई सेल्फ, दिस इज द एडिशनल टाइम, मीन्स 3 मंथ्स प्लस एडिशनल 6 मंथ्स. सो अगर आपको कोई वेरिफिकेशन नहीं करना है, कोई अपॉर्चुनिटी बींग नहीं देना है, तो उस केस में 3 मंथ्स, इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू कम्प्लीट 3 मंथ्स, देन एडिशनल 6 मंथ ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ AO मे ऑल्सो बी ग्रांटेड. बट इन द सेकेंड केस, इफ देर इज अ वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एंड और अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड इज needs to be given to SSC, in that case the time limit will be 12 months from the end of the financial year in which such order is received. Now let's move forward and talk about the time limits. Talk about section 153.6, which talks about time limits for the completion of assessment or reassessment in certain cases pursuant to direction of court or any appellant authority. In this case, if there is an assessment which is not cancelled or set aside, but it contains certain direction, the assessment is not cancelled or set aside, but it contains certain direction, and that direction has 2 cases basically. तो पहला केस क्या हो सकता है? Income of one SSC is to be included into another. मतलब असेसमेंट को किसी अपीलेंट अथॉरिटी ने कैंसिल नहीं करा, लेकिन उन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर इनकम एक एसएससी से हटाकर दूसरे एसएससी में इंक्लूड करना है, या वो डायरेक्शन ऐसी है कि एक असेसमेंट ईयर से हटाकर दूसरे असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल करना है. तो ऐसे केस में क्या होता है कि असेसमेंट को कैंसिल तो नहीं करते, लेकिन एक डायरेक्शन देती है अथॉरिटी. तो उस केस में क्या होगा, असेसमेंट हमको कब तक पूरी करनी है? Within 12 months from end of the month, not end of the assessment financial year, end of the month in which order is received by CIT. तो ऐसा कोई भी appellant authority होता है तो वो AO को नहीं देते हैं, वो CIT के पास में उसका order receive होता है. तो जब order CIT को receive होता है, वहाँ से उस month के end से 12 month के अंदर AO को वो direction का impact देना होता है. तो you might think that what is the difference between section 153.6 and section 153.5. दोनों केस में क्या होता है कि पहले वाले केस में एक रिवीजन इफेक्ट को दिया जा रहा है कि वहां पे सिर्फ एक पर्टिकुलर इनकम को या तो टैक्सेबल कर रहे हैं या उसको डिसअलाउ कर रहे हैं. यहां पर क्या कर रहे हैं, इनकम एक असेसी से हटाकर दूसरे असेसी में डाल रहे हैं या एक असेसमेंट से हटाकर दूसरे असेसमेंट ईयर में डाल रहे हैं. तो दोनों केस थोड़े डिफरेंट है, बट टाइम लिमिट्स दोनों ऑल टुगेदर दोनों की डिफरेंट है. सो वी नीड टू बी केयरफुल वाइल यू नो डिफरेंशिएटिंग बिटवीन दीज टू सेक्शंस. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द सर्टेन टाइम लिमिट्स विच नीड्स टू बी एक्सक्लूडेड व्हेन कंप्यूटिंग पीरियड ऑफ लिमिटेशन. तो अभी जो हमने बात करी कि असेसमेंट हमको 12 महीने के अंदर पूरा करना है AO को, या 18 महीने या 30 महीने, वट एवर द केस में भी, तो उन टाइम लिमिट्स में कौन कौन से सर्टेन टाइम होते हैं जो हम एक्सक्लूड करते हैं. तो सबसे पहला, अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड गिवन टू दी SSC अंडर सेक्शन 129, पीरियड ऑफ स्टे बाय एनी कोर्ट, ऑर्डर ऑफ कोर्ट, मतलब ऑर्डर, कोई कोर्ट ने ऑर्डर दिया और आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर दिया ड्यू टू एनी रीजन. तो जितना भी वो पीरियड ऑफ स्टे होता है, आप उस पीरियड को एक्सक्लूड कर रहे होगे अपनी असेसमेंट के टाइम लिमिट्स में. ठीक है, AO intimate to central government prescribed authority under section 10. So period from date of intimation to date of withdrawal. मतलब मैंने आपको, अगर आपको मेरे लास्ट वीडियोस ध्यान हो तो उसमें मैंने बताया था कि कुछ सर्टेन इनकम होती हैं जिसको AO अपने आप से by virtue of law disallow नहीं कर सकता. वो इनकम अंडर सेक्शन 10 में हमने कुछ डिस्कस किया था. तो उन इनकम को AO डिसअलाउ ना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करता है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दैट SSC हैज यू नो वॉयलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दैट सेक्शन. तो आपको उसका विड्रॉ करना चाहिए, उसकी कुछ रिकमेंडेशंस देता है. तो जब भी AO कुछ ऐसी रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको विड्रॉ कर लेता है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है आप उसको एक्सक्लूड करोगे पीरियड ऑफ लिमिटेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन हेयर, इज द पीरियड फॉर द completion of assessment. Now let's move forward. Period for the valuation report. Here, जब भी कोई AO कोई केस रेफर करता है वैल्यूएशन ऑफिसर को, which we discuss under section 142A,
तो ऐसा कोई रेफर होता है केस में, तो जितना भी टाइम पीरियड उसमें लगता है आप उस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करोगे। सेम गोज़ फॉर द स्पेशल ऑडिट। तो अगर एओ ने कोई स्पेशल ऑडिट के लिए रेफरेंस दिया है तो जितना पीरियड स्पेशल ऑडिट में लगता है उतने पीरियड को आप एक्सक्लूड करोगे। इफ़ देर इज एनी रेफरेंस इज मेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, DTAA और स्पेशल मीन्स DTAA इज बेसिकली डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हम लोगों को करना होता है। दिस केस इज पॉसिबल वेयर द असेसी हैज़ यू नो टैक्सेबल इनकम अंडर टू डिफरेंट कंट्रीज ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अलग अलग कंट्रीज में टैक्सेबल होता है। तो ऐसे केस में कुछ एओ को अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए सामने वाली कंट्री से तो वो जितना टाइम पीरियड उस इन्फॉर्मेशन को लेने में लगता है आप उसको भी एक्सक्लूड करोगे। वी विल डिस्कस दिस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट फर्दर व्हेन वी विल डिस्कस यू नो फॉरेन टैक्सेशन। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखें कि जो पीरियड हम लोगों को इन्फॉर्मेशन लेने में लगता है आप उतनी इन्फॉर्मेशन उतने टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करोगे। और इन सभी केसेस के बाद, इन सभी पीरियड्स को एक्सक्लूड करने के बाद, अगर तो एओ को असेसमेंट कंप्लीट करने का टाइम पीरियड 60 डेज से कम है, ठीक है, तो ऐसा माना तो आपका डीम्ड मतलब आपका वो टाइम पीरियड 60 डेज के लिए एक्सटेंड कर दे रहा है। फॉर एग्जांपल इतने टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करने के बाद आपके पास एओ के पास टाइम लिमिट फॉर एग्जांपल 30 डेज बच रहा है या 35 डेज बच रहा है, तो वो टाइम पीरियड को बाय लॉ एक्सटेंड कर दिया जाएगा 60 डेज। मतलब 60 डेज इज द मिनिमम टाइम आफ्टर एक्सक्लूडिंग दिस टाइम पीरियड्स टू कंप्लीट दी असेसमेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट यू नो सम ऑफ द मिसलिनियस सेक्शंस व्हिच आर लेफ्ट इन द असेसमेंट प्रोसीजर। द फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 144A व्हिच टॉक्स अबाउट पावर ऑफ जॉइंट कमिश्नर टू इशू डायरेक्शंस। ठीक है, अभी ये जो डायरेक्शंस होती है जॉइंट कमिश्नर एओ को अपने आप से दे सकता है, रेफरेंस मेड टू बाय हिम बाय एओ और एप्लीकेशन ऑफ एसएससी। तो इन तीनों बेसिस पर जो है जॉइंट कमिश्नर डायरेक्शंस को इशू कर सकता है, और वो डायरेक्शंस तभी इशू कर सकता है ओनली ओनली इफ केस इज पेंडिंग फॉर पेंडिंग इन असेसमेंट और रीअसेसमेंट। तो अगर केस पेंडिंग है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेंडिंग होगा तभी वो डायरेक्शन इशू कर सकता है, अपने आप से भी दे सकता है, एओ के कहने पर भी दे सकता है, या कोई एप्लीकेशन रिसीव होती है एसएससी के कहने पर भी डायरेक्शंस को इशू कर सकता है। कब कर सकता है? ओनली इफ केस इज पेंडिंग। अब जो भी वो डायरेक्शन देता है दैट डायरेक्शन शैल बी बाइंडिंग ऑन एओ, एओ को मानना पड़ेगा वो। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शैल बी गिवन इफ डायरेक्शन इज प्री जुडिशियल टू एसएससी। मतलब अगर वो एसएससी के अगेंस्ट में डायरेक्शंस है तो सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एसएससी को देना पड़ेगा, और वो डायरेक्शन के अगेंस्ट में कोई भी अपील पॉसिबल नहीं है, नो अपील इज पॉसिबल। So that is a very important point here in this section. Now let's move forward and talk about section 145 which talks about the method of accounting. So PGBP or other sources में आपको कौन सा method of accounting follow करना है? Cash या accrual system. Any method you can use. If the accounts of the SSC are not correct, no method of accounting is followed, income under the head PGBP or other sources is not computed under as per the ICDS, any income and computation disclosure standards. तो ये basically हम लोग पढ़ेंगे ICDS को भी when we will discuss you know PGBP, but as if now you just remember if the income is not computed under PGBP and other sources as per ICDS, then AO has a power to reject the books of accounts. Now let's move forward and talk about the important section which is section 144C and which deals with the reference to the dispute resolution panel. So DRP is basically एक authority है, ठीक है, उनका basically काम क्या होता है, ऐसे basically उनका क्या काम होता है वो हम discuss करते हैं। सबसे पहले before completion of assessment or reassessment under section 143(3), 147, 153A, AO is required to forward draft order to DRP. मतलब let's see the what are the cases they are handle first, then I will let you know what they do basically. So कौन कौन से draft orders DRP को forward करेगा? सबसे पहले foreign company के जितने भी cases होंगे जहाँ पे AO foreign company की income को increase कर रहा है या losses को decrease कर रहा है, ठीक है, वो सारे draft orders, और कोई domestic company का cases है and total income arises due to TPO, तो TPO
ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर के तहत कोई इनकम अराइज हो रही है डोमेस्टिक कंपनी को, तो ये दोनों केसेस जो है एओ जो है ऑर्डर इशू करने से पहले उसका एक ड्राफ्ट ऑर्डर डिस्प्यूट पैनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल को फॉरवर्ड करेगा। तो बेसिकली इसका इस अथॉरिटी का पर्पस क्या होता है कि इस टाइप इन दोनों टाइप के केसेस को नॉर्मली जितने भी इस टाइप के केसेस होते हैं जो ट्रांसफर प्राइसिंग से डील करते हैं जिसमें फॉरेन कंपनी की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वहाँ पे लिटिगेशन को कम करने के लिए क्या किया गया कि इनकम टैक्स अथॉरिटी के एक अलग से सेक्शन बनाया गया है विच इज़ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल। तो वहाँ पर जितने भी एक मतलब एक ड्राफ्ट ऑर्डर की एक तरीके से ड्राफ्ट ऑर्डर को एक तरीके से एनालाइज करा जाता है कि जिसमें एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि बिफोर गोइंग इनटू दी एपिलेंट अथॉरिटीज आईटीएटी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, तो यहाँ पे इन अथॉरिटीज़ का बर्डन कम करने के लिए इन पे केसेस को रिड्यूस करने के लिए एक अलग से एक पैनल बनाया गया है जहाँ पर कोई भी एओ जो है कोई भी ऐसा ऑर्डर इशू कर रहा है फॉरेन कंपनी के लिए जहाँ पे उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है लॉसेस डिक्रीज हो रहे हैं, या डोमेस्टिक कंपनी जहाँ पे टीपीयू के ऑर्डर के तहत कोई इनकम अराइज हो रही है, तो ऐसे जितने भी ऑर्डर्स हैं उसका एक ड्राफ्ट ऑर्डर इशू कोई भी ऑर्डर इशू करने से उसका एक ड्राफ्ट ऑर्डर वो पहले डीआरपी को सेंड करेगा। तो जैसे ही डीआरपी को उसका कोई ऑर्डर रिसीव होता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, तो लेट्स डिस्कस दैट प्रोसीजर। सो जैसे ही सेक्शन 143(3), 147, 147, 153A कोई भी प्रपोज्ड वेरिएशन विच इज प्री जुडिशियल टू असेसी, ठीक है, तो उसका ड्राफ्ट ऑर्डर ऑन रिसिप्ट ऑफ द ड्राफ्ट ऑर्डर असेसी हैज टू ऑप्शन। तो जैसे ही कोई ऑर्डर इशू कर रहा है एओ तो पहले ड्राफ्ट ऑर्डर जो है डीआरपी को फॉरवर्ड करेगा, और अगर ड्राफ्ट ऑर्डर जो है विच इज़ प्री जुडिशियल टू एसएससी तो वहाँ पर एसएससी के पास दो ऑप्शन होंगे, या तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है या उसके खिलाफ में कोई ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। तो अगर तो वो एक्सेप्ट करता है ठीक है तो उस केस में वो ड्राफ्ट ऑर्डर जो है एओ इशू कर देगा, लेकिन इसको ना टाइम लिमिट है ऑब्जेक्शन को करने के लिए, वो टाइम लिमिट है 30 डेज। तो अगर विद इन 30 डेज एओ एसएससी हैज नॉट यू नो फाइल एनी ऑब्जेक्शन दैट इट शैल बी डीम्ड दैट एसएससी हैज एक्सेप्टेड द ड्राफ्ट ऑर्डर, तो 30 दिनों के अंदर आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है। तो एक्सेप्टेंस किस केस में मानी जाएगी, या तो एसएससी ने अपने आइदर हिज ओन मोशन एक्सेप्ट द ड्राफ्ट ऑर्डर, और इफ नो एक्सेप्टेंस इज रिसीव विद इन 30 डेज, ठीक है, इफ द एसएससी फाइल द ऑब्जेक्शन तो क्या होगा, इफ ऑब्जेक्शन इज रिसीव्ड बाय डीआरपी देन डीआरपी इशू डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन टू द एओ, और डीआरपी के पास पावर क्या होती है कि वो उस ड्राफ्ट ऑर्डर को कंफर्म भी कर सकता है, उसको उसमें जो लायबिलिटी है या उसमें जो जो भी डिमांड है उसको रिड्यूस कर सकता है, उसको बढ़ा सकता है, बट इट कैन नॉट सेट असाइड। मतलब ड्राफ्ट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखने वाला है दैट डीआरपी कैन एनहैंस द असेसमेंट, कैन रिड्यूस द असेसमेंट, बट इट कैन नॉट यू नो रेफर बैक और सेट असाइड द असेसमेंट, ठीक है। नो डायरेक्शन, और डीआरपी को डायरेक्शन इश्यूज करने की टाइम लिमिट्स क्या है, आप नो डायरेक्शन कैन बी इशूड आफ्टर 9 मंथ्स, मतलब 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपको डायरेक्शन इशू करनी है, ओके, एंड पावर इंक्लूड प्रपोज्ड वेरिएशन अराइज आउट ऑफ द ऑर्डर, मतलब जो भी ड्राफ्ट ऑर्डर में जो भी वेरिएशन दिए गए हैं वो प्लस उस ऑर्डर से जितनी भी वेरिएशन हम लोग को एडिशनल मिलती हैं, ठीक है, तो उनके बेसिस पे उन वेरिएशन को वो वेरीफाई कर सकता है, इसकी पावर होती है डीआरपी के पास में। अब जो भी डायरेक्शंस डीआरपी इशू करता है दैट शैल बी इट शैल बी बाइंडिंग ऑन एओ एंड डिपार्टमेंट कैन नॉट फाइल अगेंस्ट द डीआरपी। तो डीआरपी को पर्पस क्या था लाने का, पर्पस ये है कि हम जितनी भी अपील्स होती हैं विच रिलेट्स टू फॉरेन कंपनीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज जिसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस होती हैं, इन लोगों के केसेस को कम करने के लिए, इनकी अथॉरिटीज़ पे बर्डन कम करने के लिए एक अलग से एक पैनल बनाया गया था। तो जो भी डायरेक्शन ये पैनल एओ को फॉरवर्ड करता है वो एओ के ऊपर बाइंडिंग होगी, और जो भी
डीआरपी की डायरेक्शंस होंगी उसके अगेंस्ट में ए डिपार्टमेंट कैन नॉट फाइल अपील, ठीक है, वो उस पर बाइंडिंग है और कोई अपील डिपार्टमेंट उस पर फाइल नहीं कर सकता। हाउएवर असेसी चाहे तो वो जो भी डायरेक्शंस होती हैं, जो भी वो ऑर्डर इशू करते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट में जो है असेसी अपील फाइल कर सकता है आईटीएटी को, ठीक है। तो जो डीआरपी है वो बेसिकली सीआईटी अपील्स के लेवल पे ही वर्कआउट करता है, तो वहाँ पे जो भी वो ऑर्डर इशू करते हैं आप असेसी डायरेक्टली आईटीएटी को फॉरवर्ड करेगा, आईटीएटी को सॉरी अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, अपील करेगा विद इन 60 डेज। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड डिस्कस अबाउट आर लास्ट सेक्शन फॉर दिस सेशन एंड ऑल्सो फॉर द असेसमेंट प्रोसीजर विच इज सेक्शन 154 विच डील्स विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक। तो कौन कौन से केसेस है जहाँ पे रेक्टिफिकेशन आप फाइल कर सकते हो? सबसे पहले ऑर्डर पास बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी, ठीक है, इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1), इंटीमेशन अंडर सेक्शन 200A(1) जो TDS की इंटीमेशन होती है, और देयर बाय 206CB विच इज TCS। तो इनके अगेंस्ट में कोई भी रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक होती तो आप उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट में आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हो। मिस्टेक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज हेयर बाय आई मीन मिस्टेक? मिस्टेक मीन्स देयर वेयर देयर इज नो टू व्यूज आर पॉसिबल एंड नो आर्ग्यूमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि डिमांड में जैसे कोई टोटल किया हुआ है, सब टोटल करा हुआ है, वो टोटल सही नहीं है, तो वो उसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता, कोई टू व्यूज पॉसिबल नहीं है, वो डिमांड का टोटल गलत मेंशन किया हुआ है ऑर्डर पे। तो इस टाइप के ऑर्डर्स को आप रेक्टिफाई कर सकते हो। तो ऐसी कोई नहीं, मतलब जिसमें दो व्यूज पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, 2+2 है तो वो 4 ही होगा, ठीक है, तो उसमें कोई दो व्यूज पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट 2+2 इज लाइक 5 भी हो सकता है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो ऑर्डर से निकल के आ रही है जिसमें कोई दो व्यूज पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम मिस्टेक बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस को आप रेक्टिफाई कर सकते हो अंडर सेक्शन 154। अब इसको रेक्टिफिकेशन करने की टाइम लिमिट्स क्या होती है? विद इन 4 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इन विच ऑर्डर्स ऑट टू बी अमेंडेड, 4 साल उसमें टाइम लिमिट होती है। अगर आप लेकिन AO चाहे तो 4 साल के बाद भी ऑर्डर को रेक्टिफाई कर सकता है, बट ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ SSC, सिर्फ उसके बेनिफिट के लिए हो सकता है, ठीक है। सो रेक्टिफिकेशन आप भी फाइल कर सकते हैं, AO भी फाइल कर सकते हैं। ऐसे सपोज आपको कोई इंटीमेशन रिसीव हुआ अंडर सेक्शन 143(1) और उस इंटीमेशन के अगेंस्ट में आपने कुछ रेक्टिफाई करना, फॉर एग्जाम्पल कोई इनकम आपकी ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है, उसमें डिमांड निकल के आ रही है, तो वो डिमांड के अगेंस्ट में आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हो विद इन 4 ईयर्स, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस सेशन एंड ऑल्सो द असेसमेंट प्रोसीजर। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर, एंड इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन देन प्लीज फील फ्री टू रीच मी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट बनाओ विच विल कवर, आई ऑलरेडी शेयर अ वीडियो ऑन दैट, बट आई विल ट्राई टू प्रिपेयर अनदर चार्ट विच इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोर डिटेल वन विच विल कवर द इंटायर असेसमेंट प्रोसीजर एंड यू आर एबल टू रिवाइज इट इन अ कपल ऑफ मिनट्स। सो इन केस यू हैव एनी क्वेरी, यू हैव एनी फीडबैक, प्लीज राइट टू मी एट tarun298@gmail.com। And shortly, I will also share a WhatsApp group. I'm trying to create a WhatsApp group where you can directly contact with me, and it is easy for you to share your views or you can share your queries as well. And I will try to answer as quickly as possible. So, in this way, जो भी हमने miscellaneous section आज revise करें, I have gone through quite quickly, थोड़ा जल्दी जल्दी उसको cover करा है मैंने, but वो आपको सिर्फ theoretical points हैं, आप उस पर points याद रखने की कोशिश करें, but जो important sections है उस पर मैंने अलग से detailed में जाने की कोशिश करी है, but this video is prepared from the exam perspective, तो उतना डिटेल्ड में हम लोग नहीं गए, बट हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करा है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर, और जिसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आई होप
Now, once you are done with all the videos for assessment procedure, you will able to do the question as well. And going forward, मैं हर chapters का अलग से हम लोग discuss करेंगे questions के ऊपर भी. कुछ मैं questions लूँगा from the past examination and I will let you know how you can answer it. और मेरा objective रहेगा कि मैं कोई एकाध ऐसा question pick करूँ which will cover the entire chapter, so it will be easy for you to have the exam perspective question, and you can revise the entire chapter in one or two questions. So thank you all, and thank you very much, and I wish you all the very best. Have a nice day. Thank you.